कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़े जहां एक तरफ पूरी दुनिया को राहत दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया पर एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। कोरोना के नए वेरिएंट ने कई देशों में तबाही मचानी शुरू कर दी है। चीन, रूस, यूके समेत कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट AY4.2 ने दस्तक दी है। इन देशों में लगातार बढ़ते मामलों के पीछे कोरोना का यही नया वेरिएंट AY.4.2 है, जिसे डेल्टा प्लस भी कहा जा रहा है। ये वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से 10-15% ज्यादा संक्रामक है। ब्रिटेन में डेल्टा प्लस का कहर जारी है। वहीं रूस ने बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। उधर चीन ने भी कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद सख्तियां बढ़ा दी हैं और कई शहरों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। कोरोना के इस नए वेरिएंट ने चिंता जरूर बढ़ा दी है। देश में कोरोना के खतरे को कम करने के लिए तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है और देश ने 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार भी कर लिया है। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कोरोना वैक्सीन को लेकर चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग 2 वैक्सीन ले रहे हैं वो कोरोना वायरस से ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी क्षमता में भी गिरावट आ रही है। ममता बनर्जी का दावा है कि स्वास्थ्य सचिव के अनुसार लगभग 20% ऐसे लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली है। उन्होंने इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने उठाए जाने की बात भी कही। पश्चिम बंगाल में त्योहारों की शुरुआत के बाद कोरोना के मामले बढ़े हैं। सीएम ममता बनर्जी ने लोगों से नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। हमारे पास में डेल्टा वेरिएंट जो है वो ओरिजिनल वेरिएंट है, जिसने काफ़ी ज़्यादा हैवॉक मचाया हुआ अक्रॉस द ग्लोब। जितने भी हम केसेस देखते हैं वो डेल्टा के देखते हैं या उनकी म्यूटेशंस के देखते हैं। अभी हाल फिलहाल में, मतलब अगर हम कहें अप्रैल से लेके आगे अगर हम चलें, तो AY.4 एक वेरियंट था जिसको कि हम वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास में AY.4.8 था जिसको कि बेसिकली हम अगेन यू नो दिस इज़ वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन। सो बेसिकली आपने ये ख्याल रखना है कि ये वेरिएंट जो है पर्टिकुलरली अगर हम कंट्रीज़ की बात करें, जैसे कि रशिया की बात करें या हम यूके की बात करें या हम इसराइल की बात करें, वहाँ पर सब्सटेंशियल नंबर ऑफ केसेस जो है इस वेरिएंट के आए हैं करके। तो हमें बेसिकली ये समझना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन की तो ज़रूरत है ही है, परंतु कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोरोना के इस डेल्टा प्लस वेरिएंट ने जो तबाही ब्रिटेन और रूस में मचाई वो हम सब जानते हैं, और अब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इस नए वेरिएंट AY.4.2 के केस मिलने से चिंता बढ़ गई है। दुनिया में डेल्टा के 15 सब लीनियज मिले हैं और AY.4.2 में 2 म्यूटेशन हैं। फिलहाल इस नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक चिंतित हैं और कुछ देशों में इस नए वेरिएंट के कंट्रोल के लिए बूस्टर डोज भी दिया जा रहा है। तो इस त्योहारी सीजन में बेहद ही सतर्क रहने की जरूरत है, तभी इस नए वेरिएंट को फैलने से रोका जा सकता है।